अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे स्केलिंग ग्राफ के बारे में कि हम किसी भी ग्राफ को स्केल कैसे करते हैं, चाहे वो हॉरिजेंटल हो या फिर वर्टिकल हो। सबसे पहले तो हम इसके फार्मूले देख लेते हैं कि हमें किस तरह की चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बेसिकली हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल शिफ्टिंग जो है, यहाँ पर सिर्फ यही नाम है कि आप एक्स में कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर ऐड कर रहे हो, इन द सेम केस वाई में कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर ऐड कर रहे हो। सो यही बात यहाँ पर स्केलिंग में आती है। इससे पहले हमने एडिशन के बारे में बात की। सो एडिशन जो है बेसिकली वहाँ पर हमने पहले सीख लिया, अब हम सीखते हैं कि हम एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, द सेम केस वाई में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम वाई में कुछ चेंज करते हैं तो क्या होता है। ये बेसिकली यहाँ पर वाई में ही चेंज है, ये सी बेसिकली यहाँ से आया है। वाई को हमने यहाँ पर वाई पे हमने सी को डिवाइड किया तो इधर आके सी मल्टीप्लाई हुआ। तो मतलब अगर फंक्शन को सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर स्ट्रेच करना होगा, ग्राफ को स्ट्रेच करना होगा किस तरह, वर्टिकल साइड पे बाय द फैक्टर ऑफ सी। सो जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे उस फैक्टर सी के रिस्पेक्ट से आपको क्या करना होगा, ग्राफ को स्ट्रेच करना होगा वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल ही वाई जो है वो वर्टिकल से रिलेट कर रहा है, वर्टिकल एक्सेस होता है बेसिकली वाई का। सो यहाँ पर वाई में ही चेंजिंग आ रही है, एक्स तो जिस तरह से खड़ा है एग्जैक्टली वैसे ही खड़ा है। सो हम वाई में चेंज कर रहे हैं तो हम वर्टिकली इसको स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। द सेम केस यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सी मल्टीप्लाई हुआ है, सी मल्टीप्लाई हुआ तो इधर जाके क्या हुआ है, डिवाइड हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप वाई को क्या करोगे, कंप्रेस करोगे, किस फैक्टर के रिस्पेक्ट से, एग्जैक्टली इसी सी फैक्टर के रिस्पेक्ट से। सो ये बातें दो हो गई वाई के लिए, मतलब अगर हम वाई में कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इस तरह से देखने को मिलता है। वाई में अगर कोई डिवाइड करते हो, दूसरे लफ्जों में फंक्शन के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई करें तो इस तरह से आएगा। सो अगर हम फंक्शन के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं पूरे फंक्शन के साथ, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमें स्ट्रेच करना है ग्राफ को उसी फैक्टर के रिस्पेक्ट से जो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है। इन द सेम केस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस केस में हम कंप्रेस करेंगे। ये दो बातें हो गई। अब हम एक्स की चेंज देखते हैं कि अगर हमें एक्स में कोई चीज मल्टीप्लाई होती हुई नजर आती है, लेट से आपके पास एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वही एक्स स्क्वायर है, तो एक्स में चेंज का मतलब क्या है कि यहां पर ये टू एक्स सी हम टू ले रहे हैं तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये बातें हुई कि इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको जो भी चेंजिंग करनी होगी वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से होगी, मतलब हॉरिजेंटल होगी। इस केस में आप कंप्रेस करोगे द ग्राफ ऑफ हॉरिजेंटल बाय द फैक्टर ऑफ सी। यहां पर हो उलट रहा है, यहां पर आप सी मल्टीप्लाई कर रहे हो कंप्रेस हो रहा है, लेकिन यहां पे सी मल्टीप्लाई कर रहे थे स्ट्रेच हो रहा है। इसकी रीजन, उसकी रीजन मैंने आपको पहले भी बता दी है कि अगर सी में चेंज करता, अगर वाई में चेंज करते हैं तो इस तरह से होती है और ये इधर जाता है तो उलट हो जाता है। मतलब जो आप एक्स में करोगे उसके रिस्पेक्ट से वाई में ही करनी है, तो वाई अगर हम यहां पे आता है ये इधर जाके दूसरे में चेंज हो जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, तो इसीलिए स्ट्रेच कंप्रेस में और कंप्रेस स्ट्रेच में चेंज हो जाता है। यहां पर हम सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में हम कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे उसी सी फैक्टर के रिस्पेक्ट से, और किस में के करेंगे, यहां पर हम हॉरिजेंटली करेंगे क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल होता है। उसके बाद डिवीजन आ गए, अगर हम एक्स को किसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो इस केस में आपको स्ट्रेच करना है ग्राफ को। ये बातें हैं मेनली। और अगर हम बात करें और जो हमारे नॉर्मल ग्राफ होंगे या नॉर्मल हमारे क्वेश्चन होंगे, उसमें हमें यहाँ पर ये पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन के अलावा ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बेसिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर हम ये स्पेशल केस लेते हैं कि अगर हमारा सी नेगेटिव वन हो तो इस तरह से, अगर सी आपका मल्टीप्लाई होने वाला, मतलब ये हुआ कि फंक्शन के साथ अगर नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ग्राफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, किस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अक्रॉस एक्स एक्सिस। मतलब अगर आप फंक्शन से क्या करोगे, फंक्शन
फंक्शन जो आपके पास आ रहा है, फंक्शन आप फंक्शन पूरे को नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ग्राफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से। इन द सेम केस यहाँ पर अगर आप नेगेटिव मतलब एक्स को नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई करते हो तो उस केस में आपका वाई एक्सिस के गिर्द रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो ये बातें हैं, ये फार्मूला है हमारा ओरिजिनल, जिसको लेकर ही जिसकी बेस बनाकर हम अपने सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें वी स्केल एंड रिफ्लेक्ट द ग्राफ वाई विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। तो अगर हमें स्केल करना है या रिफ्लेक्ट करना है तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ होता कैसा है। उसके बाद हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है किसको, बाय थ्री। सो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब फंक्शन को थ्री से मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या मिलेगा, वाई विच इज इक्वल टू ये आपका थ्री है और स्क्वायर रूट एक्स। हमने ऊपर पढ़ा कि अगर हमें सी मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आता है तो उस केस में हमने ग्राफ को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच थ्री फैक्टर्स हमें गिवन है। इन द सेम केस फिर हम अगर हमें थ्री डिवाइड करने को कहेगा, यहाँ पर इसके साथ साथ वो कह रहा है कि क्या करो, स्ट्रेच करो वर्टिकली बाय थ्री। और अगर आप 1/3 से मल्टीप्लाई करते हो तो एग्जैक्टली इसका मतलब है कि आपको कंप्रेस करना है 1/3 यूनिट्स। अगर हम अपने ग्राफ की तरफ जाएं, ये हमारा ग्राफ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हमारा जो ओरिजिनल ग्राफ है स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ। तो सबसे पहले हमें जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो आपको ओरिजिनल फंक्शन का जो ग्राफ है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। वो ग्राफ अगर आपको आता होगा तभी जाके आपको पॉसिबल चांसेस हैं कि आप उसको सही से कर पाओ। अब पहले उसने कहा कि भाई आप क्या करो, थ्री से मल्टीप्लाई करो पूरे फंक्शन को, और फिर वो कहता है कि आप फंक्शन को 1/3 से मल्टीप्लाई करो। थ्री से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है स्ट्रेचेस करना है, स्ट्रेच करना है ग्राफ को बढ़ाना है। और दूसरे केस में अगर आपको 1/3 कहता है तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको कंप्रेस करना है 3 यूनिट्स। यहां पे देखिए आपका ये आपका हो गया ओरिजिनल ग्राफ, ठीक है। इस केस में आपको पहले केस में हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है तो 3 यूनिट्स आपको स्ट्रेच करना है। तो यहाँ पर आप इसको स्ट्रेच करेंगे, यहाँ पर आपके पास ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। ये 3 यूनिट्स आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो तो ये आपका कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेच करता हुआ कि 3 यूनिट्स आप इसको स्ट्रेच करोगे तो इसको आप ऊपर खींच दोगे 3 यूनिट्स, ठीक है। अब एग्जैक्टली यहां पर आपको नेक्स्ट में देखने को मिलेगा कि 1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो इस केस में 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है तो फिर आपको कंप्रेस करना है। तो ग्राफ को और कंप्रेस करोगे तो इस तरह से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इस तरह से सॉल्व होता है। अगर आप नेक्स्ट की बात करते हो तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमारा जो बी पार्ट आ रहा है, बी पार्ट में हमें क्या गिवन है, यहाँ पर देखें ये फर्स्ट पार्ट तो हमने हॉरिजेंटल वर्टिकल वाला तो कर लिया, अब हमारे पास हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखें वो कह रहा है कि आपके पास जो फंक्शन है ओरिजिनल वो है वाई विच इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट एक्स, और फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर स्क्वेयर रूट 3x इज हॉरिजेंटल। यहाँ पर आप देखें आप उधर मल्टीप्लाई करते थे तो आप स्ट्रेच करते थे, डिवाइड करते थे तो कंप्रेस करते थे वाई में, लेकिन यहाँ पर उलट होता है, यहाँ पर आपको 3 मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है तो उसका मतलब इस केस में आपको कंप्रेस करना है और दूसरे केस में आपको स्ट्रेच करना है। यहां पर आपके पास जो ग्राफ है वो आपको नजर आ रहा है कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x का ही बनाना है, इज हॉरिजेंटल कंप्रेशन ऑफ ग्राफ। यहां पर स्क्वायर रूट x आपका ओरिजिनल है बाय 3 फैक्टर्स, तो 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कंप्रेस करना है, और दूसरे केस में आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड में आपको स्ट्रेच करना है। यही आपका 3 फैक्टर्स हो गए। अगर आप अपने ग्राफ की तरफ चले
सो अब हम आ गए हैं अपने ग्राफ की तरफ। इस ग्राफ में हमारे पास यही ओरिजिनल फंक्शन y विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। सो इस केस में हमें यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं वो ये कहा गया है कि आप क्या करो, यहाँ पर 3x से मल्टीप्लाई करो, 3x से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर बेसिकली वही सूरत हाल बन रही है। अब देखें हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है तो कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस करने से इस तरह से हमें ये देखने को मिलेगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और y विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x, इन द सेम केस यहाँ पर आपके पास y विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x बाय 3, ठीक है। सो इस केस में हम कंप्रेशन या फिर आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेचिंग कर रहे हो, तो उस केस में यहाँ पर ये रिस्पेक्शन हो रही है x एक्सिस के रिस्पेक्ट। सो इस तरह से आपको देखने को मिलेगी चेंजिंग टोटल। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट में हमें क्या कहा गया है, अगर हमने ये हॉरिजॉन्टल हमने देख लिया, टोटल यही था। अब हमारे पास है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आप जानते हो, रिफ्लेक्शन में आप जस्ट साइन को मल्टीप्लाई करते हो, वो चाहे वाई के साथ हो चाहे वो एक्स के साथ हो। सो आपका ओरिजिनल ग्राफ वही है, वाई विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। सो वाई विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स है, और फिर आपको यहाँ पर नेगेटिव वन वहां पर था ना, आपको सी विच इज इक्वल टू नेगेटिव वन। सो वाई विच इज इक्वल टू नेगेटिव और स्क्वायर रूट एक्स, तो सी आपका नेगेटिव वन है, आपने फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको रिफ्लेक्शन करनी है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से। सो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से मतलब क्या हुआ कि आप आपका जो ग्राफ है एक साइड पे है तो दूसरी साइड, मतलब एक्स एक्सिस की दूसरी साइड पे उसी तरह का ग्राफ आप बना दो, ठीक है। सो यहां पे देखें, ये आपका ग्राफ था ओरिजिनल, ये आपका ग्राफ ओरिजिनल था y विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। सो आप जब नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हो फंक्शन के साथ, उसका मतलब होता है कि आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो x एक्सिस के रिस्पेक्ट से। तो उस केस में अगर हम यहाँ पे सिंपल ड्रा करें, अगर ये ग्राफ हमारा इस तरह से है तो हमारा जो दूसरा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, वाई विच इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ पे देखेंगे यहाँ से आके यहाँ पे हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा बेसिकली, यहाँ से इस साइड पे आ जाएगा, पहले इस साइड पे है पॉजिटिव साइड पे, फिर नेगेटिव साइड पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये ग्राफ हमारा रिफ्लेक्ट हो गया। अगर हम फंक्शन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस के गिर्द रिफ्लेक्ट होता है। इन द सेम केस अगर हम नेगेटिव एक्स के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारा ग्राफ जो है वो रिफ्लेक्ट होता है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से। सो यहाँ पे देखें, ये ग्राफ हमारा इस तरफ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा जब हम यहाँ पर y विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट नेगेटिव x लेंगे। सो ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ, ये हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद रिफ्लेक्शन हमारी ये आई, और फिर हमने नेगेटिव x के साथ मल्टीप्लाई किया तो फिर रिफ्लेक्शन हमारी y एक्सिस के रिस्पेक्ट से आई। सो यही बातें हमारे पास यहाँ पर आई हैं पूछने के लिए। सो आप इसको समझ सकते हो कि ये बातें किस तरह से हमें करनी है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।